दोस्तों, आज की कहानी शुरू होता है चैम्बर ऑफ सीक्रेट के चैप्टर 9 द राइटिंग ऑन द वॉल के पार्ट 2 से। जादू का इतिहास टाइम टेबल का सबसे नीरस विषय था। इसे पढ़ाने वाले प्रोफेसर विंस उनके एक लौते भूत शिक्षक थे। उनकी क्लास में आज तक जो सबसे रोमांचक घटना घटी थी वो ये थी कि वे ब्लैक बोर्ड से निकलकर कमरे में अंदर आए थे। वे बूढ़े थे और उनके चेहरे पर झुर्रियां थी। कई लोगों का कहना था कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि वे मर चुके थे। वे तो बस एक दिन पढ़ाने के लिए उठे और स्टाफ रूम में जल्दी आग के सामने अपना शरीर कुर्सी पर बैठा छोड़कर क्लास लेने चले गए। उनकी दिनचर्या में तब से ये तक जरा भी अंतर नहीं आया है। आज की क्लास भी हमेशा की तरह ही बोरिंग थी। प्रोफेसर विंस ने अपने नोट्स खोले और किसी पुराने वैक्यूम क्लीनर जैसी सपाट आवाज में उन्हें पढ़ने लगे। बोरियत के कारण क्लास का लगभग हर विद्यार्थी गहरी झपकी ले की स्थिति में पहुंच गया था। कभी कभार किसी की तंद्रा टूटती थी तो वो एक हाथ नाम या तारीख लिख लेता था और दोबारा सो जाता था। वे आधे घंटे से बोल रहे थे तभी अचानक एक ऐसी घटना हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। हरमाइनी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। 1289 के अंतरराष्ट्रीय जादूगर सम्मेलन पर एक बहुत ही नीरस लेक्चर के बीच में प्रोफेसर विंस ने ऊपर देखा और वे हैरान रह गए। मिस अर ग्रेंजर, सर, क्या आप हमें रहस्यमय तहखाने के बारे में कुछ बता सकते हैं? हरमाइनी ने साफ आवाज में पूछा। डीन थॉमस, जो मुंह खोले खिड़की के बाहर टकटकी लगाकर देख रहा था, अचानक होश में आया। लैवेंडर ब्राउन का सिर, जो उसकी बाहों के बीच धंसा हुआ था, ऊपर उठ गया और नेविल की कोनो ही उसकी टेबल से फिसल गई। प्रोफेसर विंस ने पलके झपकाई। मेरा विषय जादू का इतिहास है, उन्होंने अपनी नीरस और घरघराती आवाज में कहा। मैं सच्ची घटनाओं के बारे में पढ़ाता हूँ मिस ग्रेंजर, मिथ्यागत दंत कथाओं के बारे में नहीं पढ़ाता। उन्होंने अपना गला साफ करते हुए चाक टूटने जैसी एक हल्की आवाज निकाली और फिर आगे पढ़ाने लगे। उस साल सितंबर में सिडनी के जादुई की एक उप समिति फिर अचानक रुके। एक बार फिर हरमाइनी का हाथ हवा में लहरा रहा था। मिस ग्रांट, प्लीज सर, क्या दंत कथाओं में हमेशा कुछ ना कुछ सच्चाई नहीं होती है? प्रोफेसर विंस हरमाइनी की तरफ इतनी हैरानी से देख रहे थे कि हेरी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज से पहले किसी विद्यार्थी ने उनके लेक्चर में कभी व्यवधान नहीं डाला था, चाहे वे जीवित हो या मृत। अच्छा, प्रोफेसर विंस धीमे से बोले, हाँ, मेरे ख्याल से ये तर्क तो दिया जा सकता है। उन्होंने हरमाइनी को घूरते हुए देखा, जैसे उन्होंने इससे पहले कभी किसी विद्यार्थी को ठीक से देखा ही नहीं हो। बहरहाल, जिस दंत कथा की तुम बात कर रही हो वो बहुत ज्यादा सनसनीखेज और मूर्खतापूर्ण है। परंतु पूरी क्लास अब प्रोफेसर विंस के हर शब्द को पूरे ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने उन सब की तरफ एक ऊटी नजर डाली। हर चेहरा उनकी तरफ मुड़ा हुआ था। हेरी को ये साफ दिख रहा था कि इस असामान्य रुचि के प्रदर्शन से वे बिल्कुल हैरान थे। अच्छा, ठीक है, उन्होंने धीमे से कहा, मुझे सोचने दो। रहस्यमयी तहखाना, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, हॉगवर्ट्स की स्थापना आज से लगभग 1000 साल पहले हुई थी। हालांकि हमें निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है। हॉगवर्ट्स को उस युग के 4 जादूगरों और जादूगरनियों ने स्थापित किया था। इस स्कूल के 4 हाउस उन्हीं के नाम पर है। गौरव गरुड़ माया मेहनत कश चंद्रिका चीलघाट और नागेश नाग शक्ति, उन्होंने मिलकर इस महल को मगलुओं की निगाहों से
दूर बनाया, क्योंकि वो एक ऐसा युग था जब आम जनता जादू से डरती थी और जादूगरों और तथा जादूगरनियों को बहुत यातना सहना पड़ती थी। वे ठहरे, कमरे में चारों तरफ उठती निगाह डाली और फिर आगे बोलने लगे। कई साल तक इन स्थापकों ने सद्भावपूर्ण माहौल में इकट्ठे काम किया। उन्होंने ऐसे बच्चे खोजे जिन्हें जादू के चिन्ह थे और फिर भी उन्हें शिक्षित करने के लिए महल में लाए। परंतु फिर उनके बीच विवाद होने लगे। नागशक्ति और बाकी लोगों में मतभेद हो लगा। नागशक्ति हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों को चुनने के बारे में ज्यादा सख्ती बताने लगे। उनका मानना था कि जादू की शिक्षा सिर्फ जादूगर परिवारों के बच्चों तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्हें मगलू परिवारों के बच्चों को विद्यार्थी बनना पसंद नहीं था, क्योंकि वे उन्हें विश्वसनीय नहीं मानते थे। कुछ समय बाद विषय पर गरुड़द्वार तथा नागशक्ति के बीच एक जोरदार बहस हुई और नागशक्ति स्कूल छोड़कर चले गए। प्रोफेसर विंस एक बार फिर रुके, अपने होंठ सिकोड़े और एक बुरे झुर्रीदार कछुओं की तरह दिखने लगे। विश्वसनीय ऐतिहासिक सूत्र हमें सिर्फ इतना ही बताते हैं, वे बोले, परंतु वास्तविक तथ्यों को रहस्यमय तहखाने की काल्पनिक दंतकथा ने विकृत कर दिया है। ये कहा जाता है कि नागशक्ति ने महल में एक गुप्त तहखाना बनाया था जिसके बारे में अन्य संस्थापक कुछ नहीं कर जानते थे। दंतकथा के अनुसार जाते समय नागशक्ति रहस्यमय तहखाने को इस तरह बंद कर दिए गए थे ताकि कोई उसे ना खोल पाए, जब तक कि उनकी असली वारिस स्कूल में ना आ जाए। उनका वारिस ही एक रहस्यमय तहखाने को खोल सकता है और इसके भीतर छुपे आतंक को बाहर निकाल सकता है। इस तरह उनका वारिस स्कूल से उन अशुद्ध खून वाले लोगों का सफाया करेगा जो जादू पढ़ने के काबिल नहीं है। उनकी कहानी पूरी होने पर खामोशी छा गई, परंतु ये और दिनों जैसे उन्होंने खामोशी नहीं थी जो प्रोफेसर विंस की क्लास में छाई रहती थी। माहौल उलझन भरा था, हर विद्यार्थी उन्हें देख रहा था और ये उम्मीद कर रहा था कि वे आगे भी कुछ बताएंगे। प्रोफेसर विंस थोड़े चीर से गए। वे बोले, जाहिर है पूरी कहानी कल्पना और बकवास है। इस तहखाने को खोजने के लिए बड़े बड़े विद्वान जादूगर और जादूगरनियां स्कूल की कई बार तलाशी ले चुके हैं, उन्हें ऐसा कोई तहखाना नहीं मिला। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो भोले भाले लोगों को डराने के लिए गढ़ी गई है। हरमानी का हाथ फिर हवा में था। सर, तहखाने में छुपे आतंक का ठीक ठीक क्या मतलब है? इसके बारे में माना जाता है कि ये किसी तरह का भयानक जानवर है जिसे सिर्फ नागशक्ति का वारिस ही काबू कर सकता है, प्रोफेसर विंस ने नीरस और कांपती आवाज में कहा। विद्यार्थियों ने घबराकर एक दूसरे को देखा। मैं तुम लोगों को ये बता देता हूं कि इस तरह की कोई चीज नहीं है, प्रोफेसर विंस ने अपने नोट्स पलटते हुए बोले। ना तो कोई तहखाना है, ना ही कोई भयानक जानवर है। परंतु सर, सिम्स मिनिगन ने कहा, अगर तहखाने को सिर्फ नागशक्ति का असली वारिस ही खोल सकता है तो कोई दूसरा उसे कैसे खोल सकता है ना? बकवास, ओप्लेहर्टी, प्रोफेसर विंस ने उत्तेजित स्वर से कहा, अगर हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर को ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। परंतु प्रोफेसर पार्वती पाटिल सुरीली आवाज में बोली, शायद उसे खोलने के लिए काले जादू की जरूरत पड़ती होगी। प्रोफेसर विंस ने पलटकर कहा, अगर कोई जादूगर काले जादू का प्रयोग नहीं करता तो इसका ये मतलब नहीं है मिस पेनीफेदर कि वो इसका प्रयोग नहीं कर सकता। मैं फिर दोहराता हूँ, अगर डंबलडोर जैसे जादूगर, परंतु शायद इसके लिए आपका नागशक्ति के साथ किसी तरह का संबंध होना चाहिए, इसीलिए डंबलडोर उसे नहीं खोज, डीन थॉमस ने बोलना शुरू किया। परंतु प्रोफेसर विंस की सहनशक्ति अब खत्म हो चुकी थी।
अब इस मुद्दे को यही पर खत्म करते हैं, वे तीखी आवाज में बोले। ये एक कल्पना है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात का जरा भी प्रमाण नहीं है कि नाग शक्ति ने हॉगवर्ट्स में कभी रहस्यमय झाड़ू की अलमारी भी बनाई हो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इस तरह की महत्वपूर्ण कहानी सुनाई। अब अगर आप लोग इजाजत दे तो हम दोबारा इतिहास पर लौटते हैं। ठोस विश्वसनीय प्रमाणिक तथ्यों पर और 5 मिनट के भीतर क्लास हमेशा की तरह एक बार फिर उदासीनता, उपासियों और छपकियों के माहौल में खो गई। जब क्लास खत्म हुई तो डिनर से पहले अपना बैग रखने के लिए वे भीड़ भरे गलियारों से चलने लगे। चलते चलते रॉन ने हैरी और हरमाइनी को बताया, मैं पहले से ही जानता था कि नागेश नाग शक्ति सिर फिरा है और उसका सनकी भी था वो, परंतु मैं ये नहीं जानता था कि शुद्धखंड का सारा बखेरा उसी ने खड़ा किया है। अगर मुझे मुंह मांगी रकम भी मिले तब भी मैं उसके हाउस में नहीं जाऊंगा। सच तो ये है कि अगर बोलती टोपी ने मुझे नाग शक्ति में भेजा होता तो मैं वापस घर जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता। हरमाइनी ने उत्साह से सिर हिलाया, परंतु हैरी कुछ नहीं बोला। उसके मन में उलझन और परेशानी थी, इसलिए वो असहज हो गया था। हैरी ने रॉन और हरमाइनी को ये कभी नहीं बताया कि बोलती टोपी ने पहले उसे नाग शक्ति में रखने के बारे में विचार किया था। उसे अपने कानों में गूंजती वो आवाज अच्छी तरह याद थी, जैसे ये कल की ही बात हो, जब उसने एक साथ पहले उस टोपी को अपने सिर पर लगाया। सोच लो, तुम महान बन सकते हो और महान बनने के सारे लक्षण हैं तुम में, और नाग शक्ति महान बनने में तुम्हारी मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु हैरी ने पहले ही नाग शक्ति हाउस के कुख्यात छवि के बारे में ये सुन लिया था कि ज्यादातर शैतानी जादूगर उसी हाउस में निकलते हैं, इसीलिए उसने व्याकुल होकर सोचा था नाग शक्ति नहीं। और फिर टोपी ने कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो फिर तुम्हारा हाउस होगा गरुड़ द्वार। जब वे भीड़ के साथ साथ चल रहे थे तो कॉलिन क्रेबी पास से गुजरा। हाय हैरी। हेलो कॉलिन, हैरी ने मशीनी आवाज में कहा। हैरी, मेरी क्लास का एक बच्चा कह रहा था कि तुम। परंतु कॉलिन इतना छोटा था कि वो बड़े हाल की तरफ जा रहे विद्यार्थियों के रेले में टिक नहीं पाया। उन्होंने उसे बोलते सुना, मिलते हैं हैरी, और फिर उसे धक्के मारती हुई अपने साथ ले गई। उसकी क्लास का बच्चा तुम्हारे बारे में क्या कह रहा होगा, हरमाइनी ने हैरानी से पूछा। मेरे ख्याल से ये कह रहा होगा कि मैं नाग शक्ति का वारिस हूँ, हैरी ने कहा, और उसका पेट एक और इंच झुक गया जब उसे अचानक याद आया कि किस तरह लंच टाइम में जस्टिन उसे दूर भाग रहा था। यहाँ के लोग तो किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, रॉन ने नफरत से कहा। भीड़ छट गई और वे बिना किसी परेशानी के अगले सीढ़ियों चढ़ने में कामयाब हो गए। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि कोई रहस्यमय तहखाना है, रॉन ने हरमाइनी से कहा। मैं नहीं जानती, उसने तौलिया चलाते हुए कहा। डंबलडोर मिसेस नारिश की अभी तक ठीक नहीं कर पाए, इसलिए मुझे लगता है कि जिसने भी उस पर हमला किया था, हो सकता है वो इंसान ना हो। जब वो बोली तो वे एक मोड़ मुड़े और उन्होंने खुद को उसी गलियारे के सिरे पर पाया जहां हमला हुआ था। वे रुककर देखने लगे, वहां का दृश्य उस रात जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह मशाल टांगने के स्टैंड से बेजान बिल्ली नहीं लटक रही थी और एक खाली कुर्सी दीवार के उस हिस्से को ठोक रही थी जिस पर यह संदेश लिखा था, रहस्यमय तहखाना खुल चुका है, एपर फ्लिच पहलदारी करता रहता है, रॉन बुदबदाया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, गलियारों में कोई नहीं था। एक नजर ताक झाक करने में क्या हर्ज है, हैरी ने अपने बैग को नीचे रखते हुए कहा। फिर वो अपने पंजों और हथेलियों के बल रेंगकर सुराग की तलाश करने लगा।
झुलसने के निशान। वो बोला, यहाँ और यहाँ भी, यहाँ और इस तरफ देखो। हरमायनी बोली, बहुत अजीब बात है। हैरी उठा और दीवार पर लिखे संदेश के करीब वाली खिड़की के पास पहुंचा। हरमायनी सबसे ऊंचे शीशे की तरफ इशारा कर रही थी, जहां लगभग 20 मकड़ियां तेजी से भाग रही थी और कांच के एक छोटे छेद से निकलने के लिए वापस में लड़ रही थी। चांदी जैसा एक लंबा धागा रस्सी की तरह लटक रहा था, जैसे वे सब बाहर पहुंचने की जल्दबाजी में इस पर चढ़ी हो। क्या तुमने कभी मकड़ियों को इस तरह का व्यवहार करते देखा है? हरमायनी ने हैरानी से कहा। नहीं, हैरी बोला, क्या तुमने देखा है रॉन? रॉन? उसने पलटकर देखा। रॉन काफी पीछे खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो भागने की अपनी इच्छा को दबाने के लिए संघर्ष कर रहा हो। क्या हुआ? हैरी ने पूछा। मुझे मकड़ियां पसंद नहीं है, रॉन ने तनाव भरे स्वर से कहा। मैं ये बात नहीं जानती थी, हरमायनी ने रॉन की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। तुमने कार्य की क्लास में तो सैकड़ों बार मकड़ियों का प्रयोग किया है। मरी मकड़ियों से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, रॉन ने कहा, और वो सावधानी से खिड़की के अलावा बाकी सब तरफ देख रहा था। मैं तो सिर्फ उनके चलने के तरीके को पसंद नहीं करता। हरमायनी हंसी। ये हंसने की बात नहीं है, रॉन ने आवेश में कहा। अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो, जब मैं 3 साल का था तो फ्रेड ने मेरे टेडी बियर को एक गंदी बड़ी मकड़ी में बदल दिया था, क्योंकि मैंने उसकी खिलौने वाली जादुई झाड़ू तोड़ दी थी। तुम भी उन्हें पसंद नहीं करोगे अगर तुम अपने टेडी बियर के पकड़े हो और अचानक उसमें बहुत से पैर निकल आए। और वो कांपते हुए रुक गया। ये स्पष्ट था कि हरमायनी अब भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश में थी। हैरी को लगा कि आप विषय को बदल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए वो बोला, फर्श पर गिरा हुआ वो पानी याद है? वो कहां से आया होगा? किसी ने उसे साफ कर दिया है। अरे हाँ, पानी यहाँ था, रॉन ने कहा। अब वो इतना ठीक हो चुका था कि वो फ्लीज की कुर्सी के पास से कुछ कदम आगे चला और इशारा करते हुए बोला, इस दरवाजे के बराबर। वो दरवाजे पर लगे पीतल के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ा रही थी और तभी अचानक उसने अपना हाथ इतनी तेजी से पीछे खींचा जिसे उसे करंट लग गया हो। क्या हुआ? हैरी ने कहा। इसके अंदर नहीं जा सकते, रॉन ने रूखेपन से कहा, ये तो लड़कियों का बाथरूम है। अंदर कोई नहीं होगा रॉन, हरमायनी ने उनके पास आते हुए कहा। ये मायूस मीना का बाथरूम है, चलो चलकर इस पर भी एक नजर डाल देते हैं। खराब है कि बड़े बोर्ड का अनदेखा करते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। हैरी इससे पहले कभी इतने ज्यादा उदास और निराशाजनक बाथरूम में नहीं गया था। एक बड़े चटके हुए और धब्बेदार आईने के नीचे पुराने पत्थर के सिंक लगे थे। फर्श पर पीतल थी और कुछ मोमबत्तियां के टूटे से बहुत हल्की रोशनी आ रही थी। अंदर बने टॉयलेट्स के लकड़ी के दरवाजे की पापड़ी झड़ रही थी और उनकी हालत खराब थी। इनमें से एक तो अपने चूल्हों पर झूल रहा था। हरमायनी ने अपने होठों पर उंगलियां रखी और आखिरी टॉयलेट की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर वो बोली, हेलो मीना, तुम कैसी हो? हैरी और रॉन देखने के लिए गए। मायूस मीना टॉयलेट के अंदर बने कुंड में तैर रही थी और अपने चुट्टी के एक मुहासे को उखाड़ रही थी। ये लड़कियों का बाथरूम है, मायूस मीना ने रॉन और हैरी को संदिग्ध निगाहों से देखते हुए कहा। ये लोग लड़कियां नहीं है। नहीं, हरमायनी सहमत हुई, मैं तो उन्हें सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि यहाँ कितना अच्छा माहौल है। उसने गंदे आईने और गीले फर्श की तरफ अस्पष्टता से हाथ हिलाया।
उसे पूछो कि उसने कुछ देखा था क्या। हैरी हरमाइनी से फुसफुसाकर बोला, तुम लोग क्या कानाफूसी कर रहे हो, मीना ने हैरी को घूरते हुए कहा। कुछ नहीं, हैरी जल्दी से बोला, हम तो बस ये पूछना चाहते थे। मैं ये पसंद नहीं करती कि लोग पीठ पीछे मेरे बारे में बोले, मीना ने आंसुओं में डूबे आवाज में कहा। भले ही अब मैं मर चुकी हूँ, परंतु तुम लोगों को समझना चाहिए कि मेरी भी भावनाएं हैं। मीना, कोई भी तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, हरमाइनी बोली। हैरी तो सिर्फ, कोई भी मुझे दुखी नहीं करना चाहता, ये भी खूब कहा मीना गर्जी। इस जगह पर मेरी जिंदगी बस दुख भरी कहानी थी, और अब लोग मेरे मरने के बाद भी मुझे कष्ट दे रहे हैं। हम तो तुमसे ये पूछना चाहते थे कि क्या तुमने पिछले दिनों कोई आवाज चीज देखी है, हरमाइनी ने जल्दी से कहा, क्योंकि हेलोवीन की रात को तुम्हारे बाथरूम के दरवाजे के बाहर एक बिल्ली पर हमला हुआ था। क्या तुमने उस रात किसी को आसपास देखा था, हैरी ने कहा। मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मीना ने नाटकीय तरीके से कहा। लेविस ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं यहाँ आई और मैंने खुद की जान लेने की कोशिश की। फिर जाहिर है मुझे याद आया कि मैं तो पहले से ही मर चुकी हूँ, रॉन ने मदद करते हुए कहा। मीना ने धूप भरी मिसकारी भरी हवा में ऊपर उठी और मुड़ी। फिर उसने उन सब पर पानी उड़ाते हुए और नजरों से अझल होते हुए सीधे सिर के बॉल टॉयलेट में छलांग लगा दी। उसकी दबी हुई सिसकारियों की दिशा से वे इतना समझ गए थे कि वो पाइप के यू बेन में कहीं पर आराम कर रही है। हैरी और रॉन अपना मुंह खोले खड़े रहे, परंतु हरमाइनी थके अंदाज में कंधा उचकाया और कहा, सच कहा जाए तो आज मीना खुश हुई होगी, चलो हमें बाहर निकलना चाहिए। हैरी ने मीना की दबी हुई सिसकारियों के बीच दरवाजा मुश्किल से बंद किया ही था कि तभी एक आवाज सुनकर वे तीनों उछल पड़े। रॉन पर्सी विजली सीढ़ियों के ऊपर टिटक कर खड़ा हुआ था। प्रीफेक्ट का उसका बिल्ला चमचमा रहा था और उसके चेहरे पर दहशत का भाव था। ये लड़कियों का बाथरूम है, उसने हांफते हुए कहा, तुम इसमें क्या कर रहे थे? बस चारों तरफ देख रहे थे, रॉन ने कंधे उचकाए, सुराग खोज रहे थे और क्या। पर्सी ने अपना शरीर इस तरह से फुलाया कि हैरी को मिसेस विजली की याद आ गई। यहां से दूर रहो, उसने उनकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा और अपने हाथों को लहराते हुए उन्हें खदेड़ना शुरू किया। क्या तुम्हें परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे? जब सब लोग डिनर कर रहे हैं तो यहाँ पर आना, यहाँ पर हमारे आने में क्या परेशानी है? रॉन ने भी अब ताव से आ गया था। उसने रुककर पर्सी की तरफ गुस्से से घूरा और बोला, सुनो, हमने उस बिल्ली को छुआ तक नहीं था। यही मैंने जीनी से कहा था, पर्सी गुस्से से बोला, परंतु वो अब भी शायद यही सोचती है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैंने कभी उसे इतना ज्यादा परेशान नहीं देखा, वो रो रो कर अपनी आंखें फाड़ डाल रही है। तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए, सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे इस घटना से बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। तुम्हें जीनी की परवाह नहीं है, रॉन बोला, जिसके कान अब लाल होने लगे थे। तुम्हें तो इस बात की चिंता है कि मेरी वजह से तुम्हारे हेड बॉय बनने की संभावना खत्म ना हो जाए, है ना? गरुद्वार के 5 पॉइंट कम दिए जाते हैं, पर्सी ने अपने प्रीफेक्ट के बिले पर उंगलियां फिराते हुए रूखेपन से कहा, और मुझे आशा है कि इससे तुम सबक सीख जाओगे। अब कोई जासूसी नहीं, वरना मुझे मम्मी को खत लिखना पड़ेगा। और वो कदम बढ़ाते हुए वहां से चल दिया। उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा भी रॉन के कानों जितना ही लाल था। उस रात हॉल में हैरी, रॉन और हरमाइनी ने पर्सी से सबसे दूर वाली कुर्सियां चुनी। रॉन अब भी बहुत बुरे मूड में था और वो अपने सम्मोहन के होमवर्क पर स्वाही के धब्बे गिराता रहा।
जब वो अपनी छड़ी से लापरवाही से धब्बे मिटाने की कोशिश कर रहा था तो उसके चर्मपट में आग लग गई। अपने होमवर्क की तरह ही वो आग बबूला होकर रॉन ने मंत्रों की मानक किताब भाग टू बंद कर दी। हैरी ये देखकर हैरान हुआ कि हरमायनी ने भी ऐसा ही किया। वो कौन हो सकता है, उसने शांत आवाज में पूछा, जैसे वो पहले से ही चर्चा को आगे बढ़ा रही हो। कौन चाहता होगा कि सारे नकारा और मगलू बच्चे हॉगवर्ट्स के बाहर हो जाए। इस बारे में सोचते हैं, रॉन ने बनावटी हैरानी से कहा, हमारी नजरों में ऐसा कौन है जो मगलू बच्चों को नीच मानता हो। उसने हरमायनी की तरफ देखा। हरमायनी ने पलट कर देखा, परंतु उसे विश्वास नहीं हुआ था। अगर तुम मैलफॉय के बारे में बात कर रहे हो, जाहिर है मैं कर रहा हूं, रॉन बोला, तुमने उसकी बात सुनी थी। आप तुम्हारे बारे में पढ़ जा तो मान भी जाओ, उसके गंदे और चूहे जैसे चेहरे पर एक नजर डालते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सब उसी का क्या धरा है। मैलफॉय और नाकशक्तियों वारिस, हरमायनी ने संदेह से कहा, उसका परिवार देखो, एडी ने भी अपनी किताब बंद करते हुए कहा, सबके सब नाकशक्ति में रहे हैं, वो हमेशा इस बारे में डींगे झांकता रहता है, वे आसानी से नाकशक्ति के वारिस हो सकते हैं। ये बात तो तय है कि उसके पिता भी बुरे है, हो सकता है उनके पास सदियों से रहस्यमय तहखाने की चाबी रही हो, रॉन बोला, जो पिता से पुत्र तक विरासत में छोड़ी जाती रही हो। मुझे लगता है ये संभव है, हरमायनी ने सावधानी से कहा, परंतु हम इसे साबित कैसे करेंगे, हैरी उदास स्वर से बोला। एक रास्ता हो सकता है, हरमायनी ने धीमे से कहा। उसने अपनी आवाज और धीमी कर ली तथा हॉल के उस पार बैठे पर्सी पर जल्दी से निगाह डाली। जाहिर है ये मुश्किल होगा और खतरनाक भी, बहुत ही खतरनाक। मुझे लगता है हम स्कूल के कम 50 नियम तोड़ेंगे। अगर एक महीने तक हम इसी बारे में बात करते रहे तो जाकर शायद तुम हमें पूरी बात साफ साफ बताओगे, है ना, रॉन ने चीर कर कहा। ठीक है, हरमायनी ने ठंडे स्वर से कहा, हमें ये करना होगा कि हम नाकशक्ति के हॉल में पहुंचकर मैलफॉय से कुछ सवाल पूछें, परंतु उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि सवाल हम पूछ रहे हो। परंतु ये असंभव है, हैरी ने कहा, जब रॉन हंसा। नहीं, ये संभव है, हरमायनी ने कहा, हमें बस थोड़े से भेस बदल कार्य की जरूरत होगी। वो क्या होता है, रॉन और हैरी ने एक साथ कहा। स्नेप ने कुछ सप्ताह पहले ही तो क्लास में इसका जिक्र किया था। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास जादुई कार्य की क्लास में स्नेप की बातें सुनने से बेहतर कोई काम नहीं होता है, रॉन बुद्ध बताया, या आपको किसी दूसरे इंसान में बदल देता है। इसके बारे में सोचो, हम खुद को नाकशक्ति के 3 विद्यार्थियों में बदल सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये हम हैं। मैलफॉय शायद हमें कुछ बता दे, वो शायद इस बारे में भी नाकशक्ति हॉल में इस बारे में ढींगे हाँक रहा होगा, परंतु हम उसकी बातें नहीं सुन सकते। ये भैंस पैदल कारा मुझे थोड़ा खतरनाक लगता है, रॉन ने तौलिया चढ़ते हुए कहा, कहीं हम हमेशा के लिए नाकशक्ति के 3 विद्यार्थियों में बदल जाए तो फिर क्या होगा। हरमायनी अपना हाथ हिलाते हुए बोली, इसका असर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है, परंतु इसे बनाने की विधि मालूम करना बहुत कठिन होगा। स्नेप ने कहा था कि ये सबसे शक्तिशाली कार्य का नामक किताब में है, वो किताब शायद लाइब्रेरी में प्रतिबंधित खंड में होगी। प्रतिबंधित खंड से किसी किताब को बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका था, इसके लिए आपके पास किसी टीचर के दस्तखत के साथ उसकी लिखित अनुमति होना चाहिए। ये बहाना बनाना मुश्किल होगा कि ये किताब हमें क्यों चाहिए, रॉन बोला,
दरअसल कोई भी टीचर समझ जाएगा कि हम कोई कारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ, हरमाइनी ने कहा, कि अगर हम इस तरह से बताएं जैसे हम सिर्फ इसे पढ़ने में ही रुचि रखते हैं, तो शायद हमें अनुमति मिल सकती है। रहने भी दो, कोई भी टीचर ये बात मानने को तैयार ही नहीं होगा, रॉन बोला, जब तक कि उसके दिमाग का कोई पेंच ढीला ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कहानी के और एक पहलू को लेकर। तो कहानी अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।